Hello everyone, welcome back to the channel. Today we have the Tata Nexon Concert Edition. This is the Jet Edition. यहाँ पर बहुत सारे एडिशन कंपनी ने लॉन्च किए लेकिन जेट एडिशन मुझे थोड़ा सा स्पेशल लगा बिकॉज फीचर ऐड कर दिए गए यहाँ पर और अच्छा इसलिए लग रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे काजीरंगा एडिशन से बेटर ये कलर लगा है काजीरंगा का कॉज जरूर अच्छा था अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसे चेकआउट कर लें काजीरंगा एडिशन एक अच्छा मैसेज जरूर प्रोवाइड करता था उसे चेकआउट करें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा लेकिन टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्सॉन जेट एडिशन यहाँ पर आपको एक नया ब्राउन्स कलर देखने को मिल रहा है उसके साथ साथ सिल्वर फिनिशिंग है इंटीरियर में फर्क है तो सब कुछ देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के अमेजिंग लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें न्यूज़ के लिए बात करना चाहूंगा इस गाड़ी के बारे में लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज अगर आपको किसी भी गाड़ी के स्पेयर पार्ट चाहिए तो बुडमो इज द राइट ऑप्शन फॉर यू छोटी गाड़ी से लेकर बड़ी गाड़ी तक अलग अलग मैनुफैक्चर्स के आपको स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं तो बुडमो चेकआउट करें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एंड्रॉइड और आई एप्लीकेशंस भी अवेलेबल है तो किस बात का वेट कर रहे हैं स्पेयर पार्ट के एक्सपर्ट्स कौन है बुडमो तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें शुरुआत करते हैं नेक्सॉन के फ्रंट लुक से तो यहाँ पर आपको वैसा ही लुक मिलेगा एल आपको लाइट्स मिलेंगी हाई बीम आपको नॉर्मल मिलेगा फॉग फॉगलैम्प भी ऑफर किए जाते हैं ब्लैक डॉट इसकी क्लोज ग्रिल देखने को मिलेगी एयर डैम के ऊपर सिल्वर फिनिशिंग और उसके साथ साथ सिल्वर स्केट प्लेट भी यहाँ पर ऑफर की जाती है लुक्स गुड इट नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना फ्रंट में ऐसे आपको कि बड़ा मेजर चेंज देखने को नहीं मिलेगा बट मेजर चेंज आएगा आपको इसका इसकी ओवरऑल ऊपर वाली प्रोफाइल का जहाँ पर ए पिलर से ही प्लेटिनम सिल्वर की जो प्रॉपर एक रूफ रेल्स हैं या ड्यूल टोन कलर है वो देखने को मिल जाता है क्योंकि रूफ रेल्स तो ब्लैक डॉट हैं ताकि इसके साथ यू नो एक कॉम्प्लीमेंट कर सकें इसको और ए पिलर से ही शुरू हो गया यूजली क्या होता है कार्स में कि आपको जो ये मिलता है ड्यूल टोन कलर मिलता है वो आपको मिलता है सिर्फ रूफ़ रूफ पे ए पिलर पे नहीं होता फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक पंच खड़ी है तो उसका एक वीडियो आपके लिए यहाँ पर लगा देता हूँ और इसी तरह के ड्यूल्टोन ऑप्शन दिए जाते हैं और अगर हम इसकी ओवरऑल साइड प्रोफाइल देखें तो आपको साइड पे जेट एडिशन की यहाँ पर बैजिंग देखने को मिलेगी उस तरफ भी इस तरफ भी तो हैश जेट आपको देखने को मिलेगा इसकी मदद मतलब से भी आप इसको यू नो डिस्टिंग्विश कर पाओगे और एक्सटीरियर में ऐसे और बड़ा चेंज नहीं है 16 इंचज़ के व्हील्स आपको यहाँ पर ऑफ़र किए जाते हैं जो कि ड्यूल टोन है जेट ब्लैक उसके एक थीम रखी गई है जहाँ पर आपको बीच में ब्लैक और बीच में डार्क ग्रे का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा फ्रंट में आपको डिस्प्ले का पर ऑफर की जाती है अच्छी खासी दो सौ दस दो सौ पाँच एम एम की ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको टाटा नेक्स में ही मिलती है तो ये चीज़ इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्पेशल भी बना देती है बाकी ऑफ़ yes, कोर्स कुछ मिसिंग फीचर है जैसे कि थ्री सिक्सटी डिग्री कैमरा एंड व्हाट नॉट बट उसके बारे में डिस्कस नहीं करते बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में अब आप सोचेंगे कि यार इसकी प्राइस ज़्यादा है या कम है जो डिफरेंस आया वर्फ थर्टी थ्री थाउजेंड रुपीज़ का ही फर्क आया कोई ज़्यादा फर्क नहीं है यहाँ पर आपके लिए सारे वेरिएंट्स की ऑप्शन यहाँ पर लगा देता हूँ आप सोच रहे होंगे कि मैकेनिकली कोई चेंज है तो मैं कहूँगा नहीं वन पॉइंट टू लीटर का ही नेचुरल एक्सपीरियर सॉरी टर्बोचार्ज इंजन आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है वन ट्वेंटी की पावर जनरेट करता है और डीजल भी आपको वन लीटर का टर्बो चार्ज भी ऑफर किया जाएगा और दोनों ही वेरियंट्स आपको सिक्स स्पीड पैनुअल और ए के साथ ऑफर किए जाते हैं अच्छी चीज ये है कि डीजल में एटलीस्ट ऑटोमेटिक है जो कि इस सेगमेंट में कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ ए है ऐसा नहीं कि कोई यू नो मे बी बॉक कन्वर्टर बट टॉक कन्वर्टर से प्राइस काफ़ी बढ़ जाता है उसका लाइव एग्जाम्पल दूँ ब्रेजा देखिए डेढ़ लाख का फ़र्क आता है बट ब्रेजा एक अलग चीज़ आ जाती है बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा फर्क है फीचर्स का फ़र्क है बट नेवर माइंड टाटा नेक्सॉन की ही यहाँ पर अगर बात की जाए एम में क्योंकि प्राइस गैप का ज़्यादा फ़र्क नहीं है तो कई लोग जो एक अफोर्डेबल ऑटोमेटिक देखना चाहते हैं तो वो टाटा नेक्सॉन डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हैं चाहे वो ये एडिशन हो चाहे काजी रंगा हो चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे इसका ई वी मैक्स अगर वो चाहिए हो तो नेक्स्ट लेवल ही पहुंच जाती है तो ई वी वाले ऑप्शन भी आप ले सकते हैं ई वी मैक्स जब बोलते हूं ना आईफोन की याद आ जाती है अब चलते हैं इसके इंटीरियर में और आपको इसके चेंजेस जो है वो दिखा देता हूँ डाटा नेक्सॉन के इंटीरियर में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे सबसे पहले तो ये ब्राउनज ही आपको यहाँ पर पूरी फिनिशिंग देखने को मिलेगी जैसे कि एक्सटीरियर कलर मिलेगा ऊपर आपको हार्ड प्लास्टिक इधर भी हार्ड और यहाँ पर भी आपको हार्ड प्लास्टिक है तो थ्री टोन्स आपको मिल जाते हैं जैसे कि आपको ये ऑफ वाइट वाइट और वाइट जो आपको ऑफर किया जाता है प्लस ऑफकोर्स ये ब्राउन कलर है और साथ में आपको मिल जाता है ये ब्लैक जो कि हार्ड प्लास्टिक में आता है गाड़ी में आपको ये सेवन इंच की टच स्क्रीन मिलेगी एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार्पेट के साथ बट मुझे लगता है कि इसको बदल देने की जरूरत है हैरियर हो चाहे सफारी हो चाहे एल्ट्रोज हो चाहे हो ये नेक्सॉन यहाँ पर आपको टच स्क्रीन को साइज इंक्रीज करना पड़ेगा टाटा इस चीज़ को सुन लो कॉम्पिटिशन की हर एक गाड़ी में ज़्यादा बड़ी टच स्क्रीन आ रही है और एनी वेज तो यहाँ पर टच स्क्रीन आपको चाहिए डिजिटल आपको यहाँ पर रेमेडी ऑप्शन ऑफर मिल जाती है थोड़ी सी बीच में और बाकी आपको एनोलॉग सिस्टम देखने जैसा लगता है बट है वो डिजिटल ही यहाँ पर आपको लेदर रेड तो प्रॉपर आपको मिलेंगे इसकी स्टेयरिंग इस तरफ कंट्रोल्स आपको वॉल्यूम के इस तरफ क्रूज़ कंट्रोल के और साथ में आपको लाइट्स के कंट्रोल और वाइपर के कंट्रोल्स लेफ्ट साइड पे ऑफर किए जाते हैं अब अगर हम ओवरऑल बात करें इस पर्टिकुलर मॉडल की यानी कि यू नो इस एडिशन की जहाँ पर आपको मिल जाता है जेट एडिशन तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट है और यू एस बी पोर्ट्स हैं और वायरलेस चार्जर की ऑप्शन मिल जाती है अब यहाँ पर आगे नहीं है वो इस तरफ है तो वायरलेस चार्जर एक तरीके से यहाँ पर ऐड कर दिया गया और बाकी आमरस तो आपको मिली जाती है कुछ एडिशन स्टोरेज के लिए बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर किस तरह का को कोई और पोर्ट नहीं है ये तो वायरलेस चार्जर वाला ही है इस तरीके से हम इसको वापस रख देते हैं तो यहाँ से आप अपना फ़ोन अब वायरलेसली चार्ज कर पाएंगे मैनुअल ब्रेक है कंफर्टेबल सीट्स हैं और अच्छी चीज़ ये है कि वेंटिलेटेड सीट्स आपको यहाँ पर ऑफ़र की जाती हैं और साथ में इलेक्ट्रिक सनरूफ भी जो कि पर्सनली मुझे लगता है थोड़ी सी छोटी है बड़ी होती तो ज़्यादा अच्छा लगता एनी वेज़ पर मुझे सनरोफ़ के कंट्रोल्स हैं वो ऑफर किए जाते हैं एल लाइट्स मिल जाती हैं ऑटोमेटिक डिमिंग आयर मिल जाता है इधर कुछ नहीं है लेकिन इस तरफ आपको एटलीस्ट एक मिरलर ऑफर किया जाता है और यहाँ पर नेक्सॉन की बैजिंग सेंटर में ज़रूर थोड़ी सी हाईलाइट अच्छी लगती है ओवरऑल ओवरऑल सीट्स में और सॉरी इस जेट एडिशन के इंटीरियर में आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी एक तो वायरलेस चार्जर ये बड़ी चीज आपको एसेंस जो है यहाँ पर भी है और साइड डोर पर भी आपको ऑफर किए जाते हैं तो वो भी आपको शायद अच्छे लग सकते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कैसे लगते हैं और उसके साथ साथ आपको जो हेडरेस्ट रेस्ट मिलता है वहाँ पर भी जेट एडिशन की प्रॉपर बैजिंग जिनकी यहाँ स्टिचिंग जो है वो ऑफर की जाती है ब्रांडिंग हैश #jet जेट तो वो भी आपको पसंद आएगी ये बात तो पक्की है बाकी इस गाड़ी की खास बात मुझे इसका म्यूजिक सिस्टम हारमन का जो मिल जाता है सेवन स्पीकर्स वाला रियली रियली गुड अच्छा है इस सेगमेंट का वन ऑफ द बेस्ट म्यूज़िक सिस्टम मैं आराम से कह सकता हूँ इसको और उसके अलावा मुझे अच्छा लगता है कि ओवरऑल इसमें आपको यू you नो know, एक अच्छी फाइव स्टार सेफ़्टी रेटिंग मिल जाती है अनफॉर्चुनेटली सिर्फ़ और सिर्फ दो एयर बैग्स ही चाहे आप इसका टॉप मॉडल हो चाहे इसका सबसे टॉप मॉडल हो ई वी मैक्स वाला उसमें भी आपको दो ही एयर बैग्स मिलते हैं तो सिक्स एयर बैग्स आई थिंक आप नेक्सॉन में मिलने शुरू हो जाएंगे तो वारे नहीं मज़ा आ जाएगा काफ़ी अच्छी सेफ्टी हो जाएगी और एक स्पेस आपको अच्छी खासी यहाँ मिल जाती है ऑटोमेटिक एसी भी ऑफर किया जाता है ड्राइव मोड्स ऑफर किए जाते हैं और ये जैसे कि मैंने बताया मैनुअल ट्रांसमिशन और एएमटी दोनों के साथ ही ऑफर करती है इस टाटा नेक्सॉन वॉन में अब टाटा नक्सॉन जेट एडिशन की प्राइसिंग आपके लिए फिर से एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ और ये ना कंक्लूजन अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स को ये चीज़ तो पता है कि किस तरीके से कस्टमर्स को हैप्पी रखा जाए अपडेटेड रखा जाए इसीलिए वो हमेशा कार्स को अपने को अपडेट करते रहते हैं और नए नए वेरियंट्स हैं नए नए एडिशन से वो लॉन्च करते रहते हैं बट हाँ मुझे ये भी लगता है कि कुछ फीचर एडिशन होने की ज़रूरत है अब प्रॉब्बली वो चीज़ नई टाटा नक्सॉन के साथ ही आएगी जब फेस लिफ्ट या नेक्जुलशन लॉन्च किया जाएगा जैसे कि प्रॉब्बली थ्री डिग्री कैमरा प्रॉब्ली एक बड़ी टच स्क्रीन इस तरह के छोटे छोटे फीचर्स हैं जो डेफिनेटली इस व्हीकल को और ज़्यादा बेहतर बना देंगे अभी भी एक काफ़ी कैपेबल एक स्ट्रॉन्ग और एक रिलायबल और एक सेफ प्रोडक्ट यहाँ पर साबित होता है टाटा नेक्सॉन चाहे उसका कोई भी एडिशन या बेस मॉडल ही क्यों वो 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 भी आपको एक वैल्यू फॉर मनी मॉडल मिल जाता है वट यू थिंक अबाउट द टाटा नेक्सॉन जेट एडिशन नीचे कमेंट करके जरूर बता दें एंड दिस वॉज एवरी रिगार्डिंग द व्हीकल यू नीडेड टू नो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी यहाँ तक देख ही लिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में अंटिल देन ड्राइव सेफ़ टेक केयर Bye bye.